हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप यू ऑल आर गुड। फ्रेंड, इस समय बजने वाले हैं सुबह के 8 और रेडी हो चुकी है नंदनी और मौसी भी रेडी हो चुके हैं और ब्रेकफास्ट कर रहे हैं अभी, बिकॉज अभी मौसी जाएंगे पहाड़ अपने घर और नंदनी जाएगी दिल्ली, तो साथ साथ ही निकलेंगे घर से। रामनगर से एक दिल्ली को बस पकड़ेगा और एक पहाड़ को। तो फिलहाल रेडी हो चुकी है नंदनी, सुबह सुबह क्रीम पाउडर घिस लिया इसने, थोड़ी मुंह काला हो गया था, इसलिए हो रहा है ऐसा। अच्छा, गोरा बनना पड़ रहा है कल। और मम्मी कर रही है तैयारी टीका पीठे की। मुंह धोने अभी शोर सा ना कोई नहीं हो क्या बोल रहा हूं। बिया एक बार ठीक पीठे है था अपने दुई को पीठे को पीठे यार कबा पा तो हट गयो बाबा जी। पीठे लगाने के बाद चेक कर रही है कि सही तरीके से लगाए नहीं लगाए। तो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं जा रही हूँ दिल्ली और ये सारे लोग मेरे को छोड़ने के लिए आ रही हैं। अब मैं बन जाऊंगी अपना रतन सिंह चौहान। मिलते हैं गाइस आपको फिर कभी। मिलते हैं गाइस आपको नेक्स्ट व्लॉग में। हाँ, नेक्स्ट व्लॉग में आने वाले, नेक्स्ट व्लॉग में फोन चार्जर सब धर दे। सो फ्रेंड्स, हो चुके हैं सबके सब रेडी, बट इन लोगों को कोई ना कोई चीज ऐसी है जो नहीं मिल रही है। जय को टोपी नहीं मिल रही है, कभी यहाँ कभी वहाँ घूम जा रही है। और ये है नंदनी का इतना बड़ा बैग। गाइस, मैं अब आऊंगी एक साल बाद, लग रहा फिर मिलते आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। एपिसोड में मिलेंगे गाइस आपको। तो फ्रेंड्स, इन लोगों की तैयारी हो चुकी है पूरी। सो फ्रेंड्स, आ गए हैं रेडी होकर के अब जाने की तैयारी। ये देखो इतना बड़ा बैग है करके नंदनी है रेडी, और साथ में जय भी जा रहा है रामनगर तक छोड़ने के लिए। जाओ जाओ, ठीक है मौसी, बाय बाय। हाँ, बाय बाय। सो फ्रेंड्स, इस समय बज चुके हैं सुबह के 10 और अभी हम लोग बैठे हुए हैं बाहर धूप में। हालांकि आज तेज धूप तो है नहीं, बट कपड़े वगैरह भी धोकर सूखने के लिए रख दिए हैं। और देखो बिजलू को, यहाँ चारपाई लगा रखी थी और चारपाई में सो गया है बिजलू, आराम से धूप सेक रहा है। और वहाँ पर है लूसी, बिजलू और लूसी दोनों यहीं पर ही है, धूप सेक रहे हैं दोनों के दोनों। सो फ्रेंड्स, इस समय बज रहे हैं 11 और मम्मी और जय भी आ गए हैं रामनगर से। इन लोगों को इतना लेट इसीलिए हुआ क्योंकि आज कैंटीन भी जाना था, इसीलिए कैंटीन से भी सामान वगैरह लेकर के आ रहे हैं। और अभी फिर से जाने की प्लानिंग में है भाई और जय बेलपड़ाव, बिकॉज भाई बना रहा है आज लंच में पुलाव, तो मटर नहीं है इसीलिए भाई और जय जाएंगे अभी मटर लेने के लिए। और मम्मी तो कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, जय नहीं कर रहा है ब्रेकफास्ट, इसने आते ही प्याज काट देना, आलू थोड़ा वो बारीक बारीक काटना, ठीक है। बताओ यार, काम अगर सब हम करके दे देंगे तो फिर ये क्या बना रहा है। मटर लेने जा रहा हूं ना। भाई को कितना गर्म हो रहा है इस ठंडी के मौसम में, जबकि आज कितना धूप छांव वाला मौसम हो रहा है, फिर भी ये अच्छा, ये राधे राधे वाली टी शर्ट पहनी है भाई ने, इसीलिए जय वापस आ गया। क्यों, बाल सही हो रहे? कर लिया जय ने अपने बाल सेट, अब जा रहे हैं चाचा भतीजा। तो फ्रेंड्स, भाई ने यहाँ पर काट के रेडी कर दिया है टमाटर, प्याज और मिर्ची, और यहाँ पे रखे हुए हैं आलू और मटर। तो फ्रेंड्स, ये है भाई का कुकिंग करने का तरीका, पूरा किचन तहस नहस करके। तो फ्रेंड्स, फिर से किचन में है चाचा और भतीजे, आई मीन भतीजा।
और स्टार्ट कर दिया है भाई ने पुलाव बनाना। जय मटर छील करके दे रहा है, भाई को हेल्प कर रहा है। इतने मटर छील दिए फिर भी हो नहीं रहा। और यहाँ पर भाई ने चावल भिगोने के लिए रखे हुए हैं, इतने सारे मटर ऑलरेडी छील दिए हैं जय ने। दो दिन ऐसे गिर गए। तो फ्रेंड्स क्योंकि तेल गर्म हो गया है इसीलिए अब भाई ने स्टार्ट कर दिया है बनाना। जीरा ऑलरेडी डाल दिया है, अब एक लाइन से भाई डाल रहा है प्याज, हरी मिर्च और टमाटर थोड़ा देर में डालेंगे, पहले गोल्डन ब्राउन होने देते हैं। भाई ने तो नमक डाला और ढक्कन रख दिया इसके ऊपर से, सारे मसाले एक साथ नहीं डाल रहा है तो पहले इतने ही पकने दे रहे हैं भाई, उसके बाद डालेंगे इसमें बाकी के मसाले। अब फाइनली चावल मिक्स कर देते हैं। तो फ्रेंड्स भाई ने तो कर दिया बहुत ही खतरनाक कुकिंग। सब कुछ ठीक आ गई है। तो अब सीटी लगने देते हैं, ढक्कन लगा देते हैं कुकर का, बस हो चुका है सब, बस सीटी लगेगी और तैयार हम लोगों का लंच। और ये देखो भाई ने सारे मसाले के डब्बे निकाल करके यहाँ रख दिए, अब वापस से इनको इनकी जगह पर रखा जा रहा है। ये कौन है? अरे बबरे, बिजलू को कितना नींद आ रहा है, तो इतने हवा में क्या कर रहा है बिजलू? ऊंचा बिजलू बोलते इसके सामने आओ तो ये सीधा दौड़ लगा देता है। हवा में क्या कर रहा था तू? हाँ ठंडा नहीं लग रहा था माँ को? चल मैं तेरे को अंदर ले चलती हूँ, चल तेरे को जय के साथ सुला देते हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक बिजलू सो रहा था बाहर और अब अंदर आ गया है, तो इसको ढक दे दिया है। अभी तक धूप में सोया हुआ था, अंदर ठंडा हो रहा है इसीलिए बिजलू को ढक दे दिया है। सो फ्रेंड्स अभी तक बिजलू सो रहा था अंदर और अभी आ गया है बाहर, क्योंकि अभी मैं भी आ गई हूँ बाहर तो बिजलू भी बाहर आ गया है सोने के लिए। वैसे भी अंदर थोड़ा ठंडा ही लग रहा है, आज मौसम भी थोड़ा ठंडा ठंडा टाइप का, और ज़्यादा तेज़ धूप नहीं है इसीलिए अभी हम लोग बाहर बैठे हुए हैं। बिजलू तो अभी उठ करके आ रहा है, लग गया अपना मुंह हाथ धोने में। सो फ्रेंड्स इस समय बजने वाले हैं 3 और लंच वगैरह करके अब जाकर के फुर्सत से खुल रहा है कैंटीन वाला बैच, तो देखते हैं क्या क्या लेकर आ रखे हैं आज कैंटीन से। मम्मी और जय गए थे कैंटीन। जय, अरे बड़े सारे बिस्किट लेकर के आया तू, सही किया, खरीद दिया यार। हाँ तो कैंटीन से तो लाए होंगे। डार्क फैंटेसी। तो फ्रेंड्स हमेशा की तरह आ गया है मेरे लिए डव साबुन, बिकॉज मुझे चाहिए होता है डव, क्या जब भी आ गया। तो फिलहाल हम लोग देखते हैं कि मम्मी क्या क्या लेकर क्या आ रही है कैंटीन से। मम्मी जो भी निकाल रही है भाई लिए जा रहा है, लिए जा रहा है। सो फ्रेंड्स इस समय बज चुके हैं शाम के 4:30 और सारे कपड़े यहाँ से उठा करके अंदर लेकर के चली गई थी, बटे की रूमाल बच गया था तो इसके लिए दोबारा आना पड़ा। बिजलू उधर से इधर पहुंच गया है, जहाँ जहाँ धूप जा रही है बिजलू उतने उधर को होता जा रहा है। बिजलू इतने हवा में क्यों बैठा है तू यहाँ पे? हाँ ये देखो बिजलू के कितने मजे आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर धूप है, धूप के साथ साथ हवा भी चल रही है। तो मैं तो चलती हूँ, फिलहाल केवल यही रुमाल रह गया था यहाँ पर तो इसे ले चलते हैं अंदर। कपड़े तो सूखे नहीं, कल दोबारा रखेंगे सूखने के लिए बाहर धूप में। सो फ्रेंड्स इस समय बजने वाले हैं 8:30 और हम लोगों ने भी कर लिया है अपना डिनर, और मॉर्निंग में मौसी और नंदनी दोनों चले गए हैं। मौसी तो चले गए थे पहाड़ और नंदनी भी चली गई है दिल्ली, अब तक तो पहुंच भी गई है। तो अभी घर पर मैं, जय, भाई और मम्मी है। कल तक पूरा हाउस फुल था। तो अभी हम लोगों ने भी कर लिया है अपना डिनर और बिजलू भी चला गया है घूमने के लिए, और भाई को देखो कितने जोरों शोरों से खांसी हो रही है। यहाँ तक आवाज आ रही है, खतरनाक तरीके से खांस रहा है।
तो फ्रेंड्स मैं भी करूंगी अपना आज का व्लॉग यहीं पर क्लोज। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स पसंद आ रहे होंगे। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स मेरे ब्लॉग्स रोज शाम को 7:30 पे आएंगे, तो कीप वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट।